सलाम वालेकुम बेटा, आज का जो टॉपिक हमारा है वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट एंड वी कॉल दिस टॉपिक एज रिलेटिव मोशन। आज रिलेटिव मोशन हम डिस्कस करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। चाहे आप मेडिकल एंट्रेंस लो या नॉन मेडिकल एंट्रेंस, दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अब देखो बेटा, सबसे पहले देखेंगे रिलेटिव मोशन क्या होता है। What is relative motion? As the name suggests, relative motion. When you compare the motion, क्या मतलब है इसका? देखो मैं एक example से सिखा रहा हूं आपको। Let us suppose this is a road. ये road है और इस road पे there is a person A and there is a person B. ठीक है, और इस पर्सन ए की वेलोसिटी जो है दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड और इस पर्सन बी की जो वेलोसिटी है दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड। फाइन, मुझे बताओ बेटा, जब मैंने आपको कहा ना ए की वेलोसिटी क्या है, सो व्हाट विल बी योर आंसर? 30। बट दिस इज वेरी टिपिकल, इसकी वेलोसिटी 30 है, पर किस लिहाज से इसकी वेलोसिटी 30 है, किसके हिसाब से इसकी वेलोसिटी 30 है? पॉसिबली शायद ग्राउंड के हिसाब से। देखो मसला ऐसा है, अगर आप एक और पर्सन को लेंगे, पर्सन सी, इसकी वेलोसिटी कुछ नहीं है, दिस पर्सन सी इज एट रेस्ट। ठीक है, अगर आप सी को कहेंगे ना ए की वेलोसिटी क्या है, तो सी कहेगा ए की वेलोसिटी जो है बेटा ये 30 है। अगर आप सी को कहेंगे ना बी की वेलोसिटी क्या है, सी कहेगा बी की वेलोसिटी 50 है। पर अगर आप बी को कहेंगे ए की वेलोसिटी क्या है, तो बी नहीं कहेगा कि ए की वेलोसिटी 30 है, नहीं, इसका आंसर डिफरेंट होगा। सिमिलरली अगर आप ए से पूछेंगे बी की वेलोसिटी क्या है, सो द आंसर विल नॉट बी 50 और 30, इट विल बी समथिंग डिफरेंट। सो इसका मतलब है, जब भी हम मोशन स्टडी करते हैं तो मोशन में जो हम पूछते हैं कि वेलोसिटी कितनी है, एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन का क्या वैल्यू है, एक्सेलरेशन की क्या डायरेक्शन है, वेलोसिटी की क्या डायरेक्शन, दीज टर्म्स आर बेसिकली रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव टर्म्स मतलब इनका जो मेजरमेंट है ना, बोथ इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड है कि ऑब्जर्वर किस कंडीशन में है खुद। अगर ऑब्जर्वर रुका हुआ है, इफ द ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, देन द ऑब्जर्वर विल डायरेक्टली टेल यू द एब्सोल्यूट वैल्यूज। अगर ये रुका हुआ है खुद, तो ये डायरेक्टली कहेगा ए की जितनी वेलोसिटी होगी ये उतनी ही कहेगा, क्योंकि इसने ए की वेलोसिटी खुद से कंपेयर करनी है। ये कंपैरिजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी कंपैरिजन को रिलेटिव कहते हैं फिजिक्स में, कंपैरिजन। सी से अगर आप पूछोगे ए की वेलोसिटी क्या है, तो सी इसकी वेलोसिटी खुद से कंपेयर करेगा, सी कहेगा मेरी तो वेलोसिटी 0 है पर इसकी वेलोसिटी 30 है। इसी तरह अगर आप सी से पूछोगे बी की वेलोसिटी क्या है, किससे पूछना है आपको, सी से, तो सी कंपेयर करेगा खुद की वेलोसिटी, तो सी कहेगा बी की वेलोसिटी 50 है। पर अगर आप ए को कहोगे बी की वेलोसिटी क्या है, तो अब ए कंपेयर करेगा ना बी की वेलोसिटी किसके साथ, ए के साथ। तो जो बी आपको आंसर देगा, जो ए आपको आंसर देगा, अगर आप ए से पूछोगे बी की वेलोसिटी क्या है, असली में बी की वेलोसिटी है 50, पर वो 50 है तब जब आप तब बोलोगे बी की वेलोसिटी 50 है जब आप खुद रेस्ट में होंगे। अगर आपकी खुद की वेलोसिटी 30 है, तो आपसे अगर पूछा जाएगा बी की वेलोसिटी क्या है, तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ बी किससे पूछा जाएगा, ए से, दैट विल बी 50 माइनस 30, दैट विल बी 20। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आराम से देखो, मैं अगर पूछूंगा बेटा बी की वेलोसिटी किससे, सी से, ये हम ऐसे लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ बी, किसकी वेलोसिटी, बी की, पर किसको पूछनी है, सी से, so we call this as velocity of b with respect to c, so we say that b की velocity कितनी है, असली में b की velocity कितनी है 50, c की velocity खुद की कितनी है 0, तो इसका मतलब है जो b की velocity with respect to c है that is 50। अगर आप इसी b की velocity a से पूछेंगे, फिर हम लिखते हैं velocity of b with respect to a, velocity किसकी, b की, पर पूछेंगे किस a से, तो ए की खुद की वेलोसिटी है ना 30, और बी की जो वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट सी है या विद रेस्पेक्ट ग्राउंड है, ग्राउंड भी रेस्ट में है,
तो दैट इज 50। पर अब जब ए से पूछोगे बी की वेलोसिटी क्या है, वो कहेगा 50 - 30 दैट इज 20। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बेटा। इसका मतलब है जब भी हम मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, मोशन को स्टडी करते हैं, तो इस मोशन को स्टडी करने से पहले हमको पहले अपना स्टेटस देखना है, हमको अपना स्टेटस देखना है, अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो सिलेक्ट करना है पहले। क्योंकि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको लगेगा कि इसकी वेलोसिटी जीरो है, पर दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको लग सकता है कि इसकी वेलोसिटी मे बी 30 है, 40 है, 50 है। मे बी तीसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको लग सकता है कि इसकी वेलोसिटी -30 है, -40 है। सो इसका मतलब है जब भी मेजरमेंट होती है, वेन एवर यू मेजर दीज क्वांटिटीज इन मोशन, यू हैव टू मोशन देम विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। आपको पहले ऑब्जर्वर सिलेक्ट करना है, या आपको पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिलेक्ट करना पड़ेगा, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से या उस ऑब्जर्वर के हिसाब से फिर आप मेजरमेंट कर सकते हैं। सो दिस काइंड ऑफ रिलेटिव कंपैरिजन, दिस काइंड ऑफ रिलेटिव आई मीन थिंग्स, व्हेन यू मेजर वन थिंग विद रिस्पेक्ट टू द अदर, व्हेन यू मेजर वन द वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू द अदर, द एक्सेलरेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू द अदर, वी कॉल दीज टर्म्स एज, इन टर्म्स को हम तब कहते हैं रिलेटिव टर्म्स, एंड वी कॉल दिस एज रिलेटिव मोशन। इसको रिलेटिव मोशन कहते हैं, इसको रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं, इसको रिलेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर आप इन किसी चीज को मेजर करोगे ना विद रेस्पेक्ट टू रेस्ट, खुद रेस्ट में हो या आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में है, तब आप इसको नॉर्मल वेलोसिटी या एब्सोल्यूट वेलोसिटी कहते हो। पर अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है, मोशन में है, तब आप इसको रिलेटिव तो बहरहाल सब हर जगह है, पर हम ज्यादातर रिलेटिव टर्म यूज तभी करते हैं जब दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट अंडर कंसीडरेशन दोनों मोशन में हो। फॉर एग्जांपल, मैं अभी जिस कमरे में हूं, ये कमरा जो है ये चल रहा है अभी, लेट अस एज्यूम दैट दिस एंटायर रूम इज मूविंग, ठीक है, और बाहर जो ग्राउंड है दैट्स एट रेस्ट, बाहर जो अर्थ है दैट्स एट रेस्ट, और ये जो कमरा है इंक्लूडिंग मी दिस होल थिंग इज मूविंग। अब देखो बेटा, अगर आप मेरी मोशन करोगे ना, कंसिडर आई एम एन ऑब्जेक्ट एंड यू आर डिस्कसिंग माई मोशन, अगर आप मेरी मोशन कंसिडर करोगे किस हिसाब से, इस कमरे के हिसाब से, तो आपने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो लिया ना वो कमरा लिया। मेरी मोशन जिस हिसाब से आप कंपेयर करोगे, मेरी मोशन कंपेयर करोगे इस कमरे से, तो यू आर डिस्कसिंग माई मोशन इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ दिस रूम। तो मैं अभी रुका हुआ हूं, तो आपको लगेगा इस रूम के हिसाब से आई एम एट रेस्ट, सो माय वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू दिस रूम इज जीरो, आई एम एट रेस्ट। पर आपको पता है कि ये कमरा और मैं दोनों चल रहे हैं, अगर आप मेरी मोशन अब कंसिडर करोगे ना विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड आउटसाइड, विद रेस्पेक्ट टू द अर्थ आउटसाइड, तो आप कहोगे कि दैट विद रेस्पेक्ट टू दैट ग्राउंड आई एम नॉट एट रेस्ट, आई एम मूविंग। तो इसका मतलब है इस कमरे के हिसाब से आई एम एट रेस्ट एंड विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड आउटसाइड आई एम मूविंग। देखो, ऑब्जेक्ट तो मैं ही हूं, पर दो केसेस में अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो आप अलग अलग आंसर दे रहे हो। आप कह रहे हो कि नहीं, कमरे के हिसाब से यू आर एट रेस्ट एंड विद रेस्पेक्ट टू द आउटसाइड ग्राउंड यू आर मूविंग। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट। यही चीजें बेटा जब आप कंपेयर करते हो ना, इनको हम रिलेटिव, इसी को रिलेटिव मोशन कहते हैं, कि इसकी वेलोसिटी इसके हिसाब से, इसकी वेलोसिटी इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इसकी एक्सेलरेशन इस हिसाब से। व्हेन यू कंपेयर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अदर ऑब्जेक्ट, व्हेन यू कंपेयर दीज टू मोशंस, व्हेन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ वन रिलेटिव टू द अदर, व्हेन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू द अदर, यू कॉल दीज थिंग्स एज, ये सारी चीजें हम, इन सब चीजों को हम रिलेटिव मोशन कहते हैं। और ये सारी चीजें जो है बेटा हम रिलेटिव मोशन में ही पढ़ते हैं, ठीक है। अब रिलेटिव मोशन जो है, इसमें बहुत सारे केसेस आएंगे कि हमको जो है कैसे मेजरमेंट करनी है, रिलेटिव मोशन में कैसे मेजरमेंट करनी है, ये हमको एक्चुअली सीखना है। अगर हम किसी से भी क्वेश्चन पूछेंगे ए से, बी से, सी से, तो कौन क्या आंसर देगा, इसके हिसाब से इसकी क्या वेलोसिटी होगी, इसके हिसाब से उसकी क्या वेलोसिटी होगी, तो ये सारी चीजें बेटा हमको ये जो फिजिक्स है इसकी, इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, यही हमको अंडरस्टैंड करने हैं इस रिलेटिव मोशन में। और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, अगर आप रिलेटिव मोशन सीखोगे ना, इस रिलेटिव मोशन में बेटा वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर अलजेब्रा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होगा, एंड आई होप
आई विश कि आपने पढ़ा होगा वो, एंड आई एम एज्यूमिंग दैट यू हैव स्टडीड दैट वेक्टर अलजेब्रा। तो आप देखेंगे कि इस रिलेटिव मोशन में बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स जो है बेटा वो जल्दी जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर तो मैं जनरल एक कॉन्सेप्ट, एक बेसिक सी फॉर्मूला आपको बता देता हूँ आज। ये रिलेटिव मोशन में आप हर जगह यूज करेंगे और इसी से हम हर एक जगह रिजल्ट भी निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये ए है, दिस इज ऑब्जेक्ट ए एंड दिस इज ऑब्जेक्ट बी। ठीक है बेटा, मैं लिखूंगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज वी ए बी, किसकी वेलोसिटी ए की, किसके हिसाब से, बी के हिसाब से। बेटा ये जो है ना, ये बेसिक फॉर्मूला जो है ना, इसका मतलब होता है फिजिक्स में, इस चीज का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप कहते हो ना कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, किसकी वेलोसिटी, ए किसके हिसाब से, बी की हिसाब, बी के हिसाब से, इसका मतलब आपको ए की वेलोसिटी निकालनी है, पर उस ए की वेलोसिटी में से आपको बी की वेलोसिटी सबट्रैक्ट करनी है। ऑब्जर्वर कौन है यहाँ पे, ऑब्जर्वर बी है, क्योंकि आप बी से पूछ रहे हो ए की वेलोसिटी क्या है। तो जो ऑब्जर्वर होता है ना बेटा, जब भी ऑब्जर्वर आंसर देता है, वो हमेशा अपनी जो वेलोसिटी है उसको माइनस करता है, उसको सबट्रैक्ट करता है। द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि दिस इज नॉट मेयरली अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन, दिस इज अ वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन हो रहा है बेटा यहां पे। एक वेक्टर में से आप दूसरा वेक्टर माइनस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूंगा व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, आप क्या आंसर लिखोगे, व्हाट डज दिस मीन मैथमेटिकली और फिजिक्स में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। पर बी की जो वेलोसिटी लेनी है ना, ये कौन सी वेलोसिटी आप ले रहे हो, ये ले रहे हो आप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एंड यू आर एज्यूमिंग दैट ग्राउंड इज एट रेस्ट। वी बी इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वी ए इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एंड वी बी ए इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। यहां पे आप बी की वेलोसिटी को डिटरमाइन करना है और पूछना किससे है, ए से विद रेस्पेक्ट ए। इसीलिए जब आप बी की वेलोसिटी को मेजर करना है, डिटरमाइन करना है, तो किससे पूछना है, ए से। जिससे पूछोगे ना वो अपनी वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करेगा, पर सब्ट्रैक्शन होगा वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मतलब है, जैसे आपने वेक्टर्स में पढ़ा होगा, मुझे बताओ बेटा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड, एंड एवरी वन ऑफ यू नो दैट दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, है ना बेटा। इसके बाद ये भी पढ़ा होगा, इफ ए माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड है ये थीटा पे डिपेंड है, इफ दिस थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री, अगर ए और बी की डायरेक्शन सेम है, ए और बी की डायरेक्शन सेम है, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज जीरो। यहां पे जीरो दोगे तो कॉस जीरो वन बनेगा, ये बनेगा बेटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड आएगा बेटा, वो आएगा आपका ए माइनस बी, नंबर वन। नंबर टू बेटा, अगर आपका थीटा है 180 डिग्री, व्हाट इज 180 डिग्री, थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री का मतलब है ए की और बी की डायरेक्शन सेम है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री का मतलब है ए की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन अपोजिट है, द एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। बेटा इसको सब्स्टिट्यूट यहां करोगे, cos 180 माइनस वन आएगा, माइनस वन इसको प्लस बनाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी बनेगा, तो अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो मैग्नीट्यूड आएगा ना ए माइनस बी का, वो आएगा बेटा ए प्लस बी। इसी तरह बेटा अगर आपका एंगल 90 डिग्री होगा, ये ए ऐसे ये बी ऐसे, तो cos 90 जीरो, ये सारी टर्म जीरो बनेगी, तो आपका जो a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड है बेटा, वो किसके बराबर आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बारह ये सारी चीजें जो है ना, ये वेक्टर अलजेब्रा में पड़ी है। इसका मतलब है जो मैं यहां पर लिख रहा हूं ना, बी ए माइनस बी बी, दिस इज वेक्टर वी ए माइनस वेक्टर वी बी। अगर इसका वैल्यू निकालना है ना आपको, तो आपको वी ए और वी बी में पहले एंगल ढूंढना पड़ेगा। अगर वो एंगल वी ए और वी बी में जीरो है, जैसे यहां
तो इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा बराबर वी ए माइनस वी बी। इसका मैग्नीट्यूड आपका वी ए माइनस वी बी भी निकल सकता है अगर थीटा आपका जीरो है। इसका वैल्यू आपका निकल सकता है वी ए प्लस वी बी अगर आपका एंगल 180 डिग्री है, जैसे यहां सिखाया मैंने। इसका वैल्यू बेटा आपका निकल सकता है अंडर रूट ऑफ वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर अगर आपका जो एंगल है बेटा वो 90 डिग्री है। क्योंकि मैंने कहा ना रिलेटिव वेलोसिटी में जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन या जो भी चीज है उसकी डिटरमाइन करते हो तो आप ये देखते हो कि ये डिटरमाइन करने वाला कौन है, या आप जो ये डिटरमाइन कर रहे हो ये किसके हिसाब से आप कर रहे हो। अगर आप ए की वेलोसिटी डिटरमाइन कर रहे हो ना बी के हिसाब से, तो इसका मतलब है बी जो है आप अपनी वेलोसिटी माइनस करेगा ए की वेलोसिटी में से। माइनस करने का मतलब नहीं है ये 10 है ये 5 है तो 10 माइनस 5 हो गया 5, नहीं। माइनस करने का मतलब है आप इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन देखो, फिर इसका मैग्नीट्यूड इसकी डायरेक्शन देखो, फिर दोनों वेक्टर्स में आप डिफरेंस निकालो। देखो मैं ऐसे समझाता हूं, दिस वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी इंटरेस्टिंग। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूं आपको, पर ये जो बेसिक सी फॉर्मूला है ना ये आप याद रखेंगे। जो मैंने बेसिक फॉर्मूला आपको दिखाई कौन सी, दैट वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज ऑलवेज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला बेटा याद रखो, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। और मैं कह रहा हूं बेटा रिलेटिव वेलोसिटी में ऑब्जर्वर ये है और ये हमेशा अपनी वेलोसिटी सबट्रैक्ट करता है। देखो मतलब ऐसे है, दिस इज अ रोड, ये रोड है, लेट अस टेक दिस रोड एज अ प्लेन रोड, चलो ऐसे स्ट्रेट लेंगे, ये बेटा रोड है, एंड दिस इज ए एंड दिस इज बी। देखो एग्जाम्पल इधर बेटा, सिंपल से एग्जाम्पल है, बी की वेलोसिटी जो है दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड और ए की जो वेलोसिटी है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो मैं लिखूंगा नीचे व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड। पर ए की वेलोसिटी 10 है पर किस हिसाब से, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेरी गुड। ग्राउंड के हिसाब से जब आप डायरेक्टली वेलोसिटी लिखते हो ना वो ग्राउंड के हिसाब से होती है, मतलब उस ऑब्जर्वर के हिसाब से होती है जो खुद रेस्ट में होता है, तब आप डायरेक्टली वैल्यूज लिखते हो, इसकी वेलोसिटी 10 इसकी वेलोसिटी 50। अब अगर मैं कहूंगा व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, अगर इसका वैल्यू निकालना होगा मैग्नीट्यूड निकालना होगा खाली, तो मैग्नीट्यूड आप इस इक्वेशन से निकालोगे। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पहले आपको ए और बी के बीच में एंगल देखना पड़ेगा कितना है बेटा, कितना एंगल है यहां पे। देखो ए की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन सेम है ना, जिस डायरेक्शन में बी जा रहा है उसी डायरेक्शन में ए भी जा रहा है, सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, आपको दिखाई दे रहा है ये, हाँ। सो बेटा व्हाट इज द डायरेक्शन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, जीरो। अगर एंगल जीरो है तो वी ए माइनस वी बी का जो मैग्नीट्यूड है, वी ए माइनस वी बी का जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर अलजबरा के हिसाब से वो इसकी फॉर्मूला आएगी वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस वी ए वी बी कॉस ऑफ थीटा। इस फॉर्मूला से मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अगर मैं यहां पे आपको कह रहा हूं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए, या मैं लिखूंगा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, हाँ, तो ये फॉर्मूला आपको बता रही है ना कि आप बी ए वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये ए बी की वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जो वेक्टर इक्वेशन आएगी वो आएगी ना वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है बेटा, अब अगर आपको इसका वैल्यू निकालना है वी बी ए, इसका खाली वैल्यू निकालो तो इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा और इसका वैल्यू आपको इस इक्वेशन से निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब है वी बी का कितना वैल्यू दोगे आप, 50, यहां पे 50, वी ए का वैल्यू कितना दोगे 10 और कॉस इन दो के बीच में एंगल कितना है जीरो। अगर एंगल जीरो दोगे तो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे ना बेटा, व्हेन एंगल इज जीरो, मैंने अभी कहा ना इफ थीटा इज जीरो, अगर आपका एंगल जीरो है तब जाके a माइनस बी होता है बराबर a माइनस बी। अब अगर आपका एंगल 180 डिग्री है तब जाके इसका वैल्यू आएगा a प्लस बी।
अगर ये एंगल आपका 90 डिग्री है तब आपका इसका वैल्यू आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अभी एंगल 0 डिग्री है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड जब आप यहाँ पे 0 दोगे ये बनेगा वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस टू वी ए बी, तो ये बनेगा वी ए माइनस वी बी का होल स्क्वायर, तो आंसर निकलेगा वी ए माइनस वी बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वी ए माइनस वी बी का वैल्यू निकलेगा वी ए माइनस वी बी। पर अगर ये होता मैग्नीट्यूड ऑफ वी बी माइनस वी ए, जब एंगल जीरो होता है, जीरो होने पे मतलब जब डायरेक्शन सेम होती है तब आप डायरेक्टली लिख सकते हो वी बी माइनस वी ए। अब बेटा वी बी, वी बी का वैल्यू कितना है 50, वी ए का वैल्यू कितना है 10, तो दोनों को माइनस करोगे तो आपका आंसर 40 आएगा। इसका मतलब है व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। आप अगर ए से पूछोगे, ए से पूछोगे बी की वेलोसिटी क्या है, तो बी ए जो है ये अपनी वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी में से सबट्रैक्ट करेगा, ये कहेगा इस ए को लगेगा इसकी वेलोसिटी जो है वो 40 है। तो ये अपनी वेलोसिटी इसमें से सबट्रैक्ट तब करेगा जब दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब देखो इसकी 50 इसकी 10, इसको पूछोगे इसकी वेलोसिटी क्या है तो वो कहेगा 50 माइनस 10। अगर इसको पूछोगे उसकी वेलोसिटी क्या है तो बी कहेगा 10 माइनस 50, तो वो आएगा -40। -40 का मतलब है अपोजिट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो बेटा यहां पे मैं ऐसे एक और पॉइंट बताता हूं, फिर से समझाता हूं, देखो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा ये जो फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखी ना, इसके डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। चलो मैं सारे केसेस बताता हूं आपको, ठीक है। यही इक्वेशन मैं लिखूंगा वी ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, बट आई एम पुटिंग स्ट्रेस ऑन द फैक्ट दैट दिस इज अ वेक्टर इक्वेशन। फॉर एग्जांपल इधर आप देखो, दिस इज केस वन। इफ बोथ ए एंड बी आर मूविंग अलोंग सेम डायरेक्शन, अगर बेटा दोनों ए और बी दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, ताहले मुझे इसका मैग्नीट्यूड, इसके मैग्नीट्यूड की फॉर्मूला क्या आएगी? अगर मैग्नीट्यूड निकालना होगा, वेलोसिटी ऑफ ए बी का वैल्यू अगर निकालना होगा खाली, तो इससे निकलेगा ना वैल्यू वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस टूवाइस वी ए वी बी कॉस ऑफ थीटा। दिखाई दे रहा है ऊपर? हाँ, ठीक है बेटा। सो अंडर रूट ऑफ दिस थिंग, ये इसका वैल्यू। अब यहां पे इफ बोथ ए एंड बी आर मूविंग अलोंग सेम डायरेक्शन, दूसरा केस, इफ ए एंड बी आर मूविंग अलोंग अपोजिट डायरेक्शंस, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। एंड नंबर थ्री, इफ ए एंड बी आर मूविंग अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। देखो मैं तीन केसेस में इसको समझाता हूं। यहां इसका मतलब है ये आपका ए जा रहा है और ये आपका बी जा रहा है और दोनों की डायरेक्शन सेम है। यहां पे इसने दिया है ऐसे, ये आपका ए जा रहा है और ये आपका बी जा रहा है और दोनों जा रहे हैं अपोजिट। इफ ए एंड बी आर मूविंग अपोजिट, आपको रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना। और यहां पे बेटा अगर ये आपका ए जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो मान लो बी जा रहा है आपका इस डायरेक्शन में, ठीक है। और एक बात, लेट अस सपोज इस ए की वेलोसिटी मैं लिखूंगा 50 मीटर पर सेकेंड, इस बी की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, हर एक जगह सेम। ए की वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, बी की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, ए की वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, बी की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। अब मुझे तीनों केसेस में एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है, और वो क्वेश्चन क्या है मुझे आप कहो कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। देखो पहले मुझे बताओ बी की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड या विद रेस्पेक्ट टू एनी ऑब्जर्वर विच इज एट रेस्ट।
अगर आप बी की वेलोसिटी से किसी भी ऑब्जेक्ट या ऑब्जर्वर से पूछोगे जो खुद में रेस्ट में होगा, तो वो कहेगा इसकी 20 है, इसकी 50 है। हर एक केस में कहेगा ए की वेलोसिटी 50 है, बी की 20 है। पर अब मैं कह रहा हूं बी को, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए, मैं बी से पूछ रहा हूं ए की क्या वेलोसिटी है। सो आई एम टेलिंग व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, विद रेस्पेक्ट टू मतलब आप बी से पूछ रहे हो। तो इसका मतलब है आपको यहां पे भी निकालना पड़ेगा वैल्यू वी ए बी का, हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। यहां पे भी आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। यहां पे भी आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। अब तीनों केसेस में डिफरेंस क्या है बेटा? डिफरेंस है ना डायरेक्शन का। पहले केस में डायरेक्शन सेम है दोनों की, इसमें अपोजिट है, इसमें 90 डिग्री है। और कोई केस ऐसा भी हो सकता है जिसमें डायरेक्शन जो है 30 डिग्री होगी, 60 डिग्री होगी, कोई भी एंगल हो सकता है। तो मैंने कहा बेटा जब भी आप रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालते हो, आप ए से पूछो, ए की वेलोसिटी पूछोगे बी से, ए की वेलोसिटी डिटरमाइन करनी है विद रेस्पेक्ट टू बी। तो इसका मतलब आपको वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी निकालना है। पर ये वेक्टर इक्वेशन है, आपको ए वेक्टर में से बी वेक्टर सबट्रैक्ट करना है, ठीक है? तो ये जो सबट्रैक्शन है ना, ये इस फॉर्मूला के हिसाब से करना है आपको, क्योंकि ये वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड इस हिसाब से निकालना है। अब देखो अगर ये वाली फॉर्मूला, क्योंकि इसी फॉर्मूला से आपको आंसर निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी का, चाहे रिलेटिव एक्सेलरेशन हो, रिलेटिव वेलोसिटी हो, यही फॉर्मूला यूज करनी है। जरा बेटा इस फॉर्मूला से मुझे इसका आंसर दो, इसका आंसर क्या आएगा पहले मुझे बताओ। इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में ए और बी में कितना एंगल है? जीरो है, सेम डायरेक्शन है ना, जीरो है, तो दे दो यहाँ पे जीरो। बेटा ये जीरो दोगे तो ये cos 01 बन जाएगा, तो ये बनेगा वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस टू वी ए वी बी। तो ये बनेगा ना बेटा वी ए माइनस वी बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो आंसर निकलेगा ना वी ए माइनस बी, वी ए माइनस वी बी। तो जब आप यहाँ पे जीरो देते हो एंगल, तब जाके वी ए बी का वैल्यू किसके बराबर होता है? तब जाके वी ए बी का वैल्यू होता है वी ए माइनस वी बी। वी ए का कितना वैल्यू है? 50। वी बी का कितना वैल्यू है? 20। तो जब आप यहां आंसर निकालोगे ना, तो वो आपका आंसर आएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब है बेटा अगर आप इस वाले पार्ट में ए की वेलोसिटी डिटरमाइन करना चाहते हो ना विद रेस्पेक्ट टू बी, सो द आंसर विल बी 30। ए की वेलोसिटी थी 50 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसकी वेलोसिटी थी 20 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। पर अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम होने का मतलब है जिससे आप पूछोगे, जिससे आप पूछोगे, पूछने वाला बी है, वो खुद की वेलोसिटी इसमें से माइनस करवाता है। मतलब ए की वेलोसिटी कितनी थी? 50। बी की वेलोसिटी थी 20। वेलोसिटी ऑफ ए माइनस बी का मतलब है ए माइनस बी, तो व्हाट इज 50 माइनस 20? दैट इज 30। जरा मुझे यहीं पे बताओ अगर आपको निकालना है, यहां नीचे दिखाई देगा आपको, हाँ बेटा, तो अगर आपको निकालना होगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, अगर आपको बी की वेलोसिटी निकालनी है और पूछना ए से है, तो वो बराबर होगा ना बेटा वी बी पहले लिखना है माइनस वी ए, ठीक है? बी की कितनी वेलोसिटी? 20। उसकी कितनी वेलोसिटी? 50। तो आंसर आएगा माइनस 30। पर माइनस 30 बेटा आएगा, माइनस का मतलब है अपोजिट, माइनस 30 का मतलब है अपोजिट। जब इस वाली रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में था, ये वाला, ये वाली इसकी डायरेक्शन, और यहां पे माइनस, माइनस का मतलब है अपोजिट। अपोजिट किसके, किसकी वेलोसिटी निकाल रहे हो आप? बी अपोजिट बी के विद रेस्पेक्ट ए अपोजिट ए के, क्योंकि यहां पे दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो रिलेटिव वेलोसिटी, अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, देन द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन देम इज द सबट्रैक्शन ऑफ टू वेलोसिटी, जैसे यहां पे निकला। जरा यहां पे मुझे रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल के दो। यहां पे कितना एंगल है दोनों वेलोसिटीज में? 180। अपोजिट आ रहे हैं ना, तो यहां का एंगल 180। बेटा अगर यहाँ पे 180 एंगल देंगे, cos 180 बनेगा, माइनस वन माइनस इसको प्लस बनाएगा, तो ये ओवरऑल बनेगा इसका आंसर वी ए प्लस वी बी। तो जब दो वेलोसिटीज अपोजिट होती है ना, तब जाके रिलेटिव वेलोसिटी होती है वी ए प्लस वी बी। यहाँ आंसर क्या निकला? वी ए माइनस वी बी। पर यहाँ पे भी हमने ये फॉर्मूला यूज की, यहाँ पे भी हम यही वाली फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, पर यहाँ पे मैग्नीट्यूड डिफरेंट क्यों आ रहा है? क्योंकि एंगल डिफरेंट है ना वहां और यहाँ। ये वेक्टर इक्वेशन है, इसलिए तो समझा रहा था मैं कि हमको वेक्टर इक्वेशन से आंसर निकालना है। तो वी ए प्लस वी बी, व्हाट इज वी ए? दैट इज 50।
प्लस 20, इसका मतलब है 70 मीटर पर सेकंड। अगर आप यहां पूछोगे ना, यहां आप निकालोगे ना ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आंसर है आपका 70। समझ आ रहा है? अगर आप वी बी विद रेस्पेक्ट ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट ए, वो भी बेटा वी, वो आएगा वी बी प्लस वी बी ए, वो भी बेटा 70 मीटर पर सेकंड निकलेगा। जरा यहां निकालो बेटा, यहां जब यहां एंगल है ना 90 डिग्री दो वेलोसिटीज के बीच में, यहां 90 डिग्री का एंगल, जब 90 डिग्री का एंगल तो बेटा ये वाली टर्म बनेगी जीरो, तो आंसर आएगा तब जाएगी क्या वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर। जरा बेटा क्या आंसर आएगा, वी ए का वैल्यू है 50 स्क्वायर और वी बी का वैल्यू है 20 स्क्वायर। इस इक्वेशन से आंसर निकालो तो आपका यहाँ डिफरेंट आंसर आ जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है, रिलेटिव वेलोसिटी में जब आप एक की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू दूसरे, विद रेस्पेक्ट टू द अदर ऑब्जेक्ट निकालते हो, तो वो आप बेटा इस फॉर्मूला से निकालते हो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। Similarly, relative velocity of B with respect to A will be equal to velocity of B minus velocity of A. Similarly, relative acceleration अगर निकालनी है, same formula, relative acceleration of A with respect to B will be equal to acceleration of A minus acceleration of B. Relative velocity of relative acceleration of B with respect to A will be equal to acceleration of B minus acceleration of A. पर जब आप फिर ये formula use करते हो, फिर आपको angle का ख्याल रखना है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड इस वाली इक्वेशन से निकालते हैं। फिर आप डायरेक्टली याद ऐसे रख सकते हो कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, फिर दोनों वेलोसिटीज का हो जाता है आपस में सब्ट्रैक्शन। अगर दोनों वेलोसिटीज या दोनों एक्सेलरेशंस अपोजिट डायरेक्शन में है, फिर दोनों एक्सेलरेशंस और या दोनों वेलोसिटीज का हो जाता है एडिशन। अब अगर 90 डिग्री पे है दो वेलोसिटीज या दो एक्सेलरेशंस 90 डिग्री पे है, फिर इस फॉर्मूला से निकालना। अब अगर ना 0 डिग्री है ना 60 ना 180 डिग्री है ना 90 डिग्री है, फिर डायरेक्ट इस फॉर्मूला से निकालो आप उसका आंसर। समझ आ रहा है? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सब्ट्रैक्शन का तब करना है जब डायरेक्शन सेम है, और आपको एडिशन तब करना है जब अपोजिट है, और आपको अगर इन दोनों के अलावा कोई एंगल है तो फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो एक और बात इसमें समझा रहा हूं मैं बेटा, ये रिलेटिव वेलोसिटी का जो टॉपिक है फिलहाल चलेगा, इसमें बहुत सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल आज मैं इसके बेसिक्स आपको सिखा रहा हूँ। बेसिक फॉर्मूला, जो फंडामेंटल फॉर्मूला है वो यही है जिसको आप याद रखेंगे, ठीक है बेटा। देखो इसी इन्हीं एग्जांपल्स को ऐसे अगर मैं ऐसे कहूंगा, मान लो बेटा कि दिस इज अ रोड, दिस इज अ फ्लैट रोड, या This is an axis. इसका मैं नाम रखूंगा ईस्ट और ये है वेस्ट, ठीक है, ईस्ट एंड वेस्ट। बेटा ये आपका ए और ये आपका बी, ए एंड बी, ईस्ट और वेस्ट। ए की वेलोसिटी मान लो 10 मीटर पर सेकेंड और बी की वेलोसिटी मान लो 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, शाबाश। अगर बी की वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स ईस्ट, ए की भी वेलोसिटी टुवर्ड्स ईस्ट, बताओ मुझे आंसर, व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। रिलेटिव दोनों की डायरेक्शन सेम है तो सब्ट्रैक्शन होगा, पर इसमें सब्ट्रैक्शन किनका होगा, पहले ए लिखोगे, दिस इज वी ए माइनस वी बी। सब्ट्रैक्शन डायरेक्टली तब होता है ना जब डायरेक्शन सेम होती है, तो पहले ए की वेलोसिटी दैट इज 10 माइनस फिर किसकी वेलोसिटी 30, so that will be equal to minus 20। देखो इसका मतलब है जो अगर आपको किसकी वेलोसिटी निकालनी थी, ए की रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आपका आंसर निकला माइनस 20। इसका मतलब बी को लगेगा ए की वेलोसिटी जो है वो माइनस 20 है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब है बी को लगेगा ए की वेलोसिटी कितनी है, माइनस 20, इसको लगेगा 20 है इसकी वेलोसिटी। पर माइनस का मतलब, माइनस डिसाइड करता है यही ऑब्जर्वर, माइनस का मतलब है बी को लगेगा ए जो है ये मुझसे दूर जा रहा है, मतलब द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज टुवर्ड्स वेस्ट नॉट टुवर्ड्स ईस्ट। देखो इसको ऐसे फिजिकली अंडरस्टैंड करेंगे बेटा, ये इसकी 10 वेलोसिटी, इसकी 30 वेलोसिटी है, जितना टाइम होता जाएगा ये दूर दूर जाता जाएगा ना, ज्यादा आगे आगे जाएगा, ये जो इनके बीच में डिस्टेंस है ये बढ़ेगी। अगर बी को लगेगा ना, बी को लगेगा ये जो ए है ये मेरे से दूर जा रहा है,
एक्चुअली क्या हो रहा है, ए भी आगे जा रहा है, बी भी आगे जा रहा है, पर बी की वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा है, ए की वेलोसिटी कम है, पर बी को अगर पूछोगे, बी को लगेगा ये तो मेरे से दूर जा रहा है, दूर जाने का मतलब है इसको लगेगा ये बी, ये जो है ये ए, ये पीछे ही जा रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस नेगेटिव साइन आता है आपका। अब देखो अगर आप वी बी ए निकालोगे, इसका मतलब आप रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी निकालोगे विद रेस्पेक्ट टू, तो वी बी माइनस वी ए लिखोगे आप, तो आपका आंसर आएगा ना 30 - 10, तो आपका आंसर 20 m/s आएगा। इसका मतलब अगर आप ए से पूछोगे बी की वेलोसिटी क्या है, ये कहेगा 20। प्लस का मतलब है इसकी डायरेक्शन, ये जो प्लस है ना, दिस इज विद रेस्पेक्ट टू दिस, इसके लिए प्लस होता है इसी डायरेक्शन में जो इसकी खुद की डायरेक्शन है, इसके लिए माइनस होता है इसकी अपोजिट डायरेक्शन। यू अंडरस्टैंड, वेरी इंटरेस्टिंग। तो ए को लगेगा बी आगे जा रहा है, बी को लगेगा ए पीछे जा रहा है, क्योंकि b की वेलोसिटी a की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू b जो है वो नेगेटिव है। फाइन, अब अगर बेटा इनकी वेलोसिटीज अपोजिट है, इनकी वेलोसिटीज अगर अपोजिट है, मान लो इस b की वेलोसिटी जो है ऐसे नहीं है, ऐसे है, इस वाले केस में फिर बी ए बी किस किसके बराबर आएगा बेटा, फिर बी ए बी जब अपोजिट वेलोसिटीज होती है तो एड होती है ना, बी ए प्लस बी बी, तो आंसर होगा ना 10 + 30 10 + 30 = 40 m/s। इसको लगेगा ये भी मेरी और कितनी वेलोसिटी से आ रहा है 40, और उसको भी लगेगा ये मेरी और आ रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 10। अंडरस्टैंड, ठीक। देखो अब एक और बात, चलो ये थी डायरेक्शन स्ट्रेट अलोंग स्ट्रेट लाइन। अब अगर अलोंग परपेंडिकुलर लाइन है तो डायरेक्शन कैसे दिखेगी, रिलेटिव डायरेक्शन कैसे लगेगी। फॉर एग्जाम्पल ऐसे देखो, ठीक है, मान लो दिस इज ईस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा मुझे बताओ आप, ये यहां पे ए है और ये यहां पे बी है, दिस इज ए दिस इज बी, बेटा ए की जो वेलोसिटी है दैट इज 10 m/s और बी की जो वेलोसिटी है दैट इज 5 m/s, ठीक। ए इस डायरेक्शन में जा रहा है और बी जा रहा है इस डायरेक्शन में, जरा मुझे बताओ व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। बेटा दोनों वेलोसिटीज में एंगल 90 degree है ना, जब एंगल 90 degree होता है तब आंसर होता है ना वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर, यही होता है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 10 ² + 5 ², ठीक है, 100 + 25 √125 m/s, ये है रिलेटिव वेलोसिटी। शाबाश, ए को अगर पूछोगे ना बी की वेलोसिटी कितनी है, ये कहेगा √125। इसी तरह अगर बी को पूछोगे ए की वेलोसिटी क्या है, वो भी कहेगा √125, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब अगर ए से पूछोगे बी किस डायरेक्शन में जा रहा है, ए से पूछोगे बी किस डायरेक्शन में जा रहा है, या बी से पूछोगे ए किस डायरेक्शन में जा रहा है, देखो कैसे करना है, ये ऐसे करना बेटा, आप दो वेक्टर्स ले लो, ये वी ए है ऐसे, दिस इज वी ए, ठीक, और वी बी की डायरेक्शन कैसे है, वी बी की डायरेक्शन है ऐसे, दिस इज वी बी, ठीक है बेटा, यहां दिखाता हूं मैं। बेटा अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालनी है, बताओ मुझे किसके बराबर होता है, वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ ए, इसका मतलब पहले ए वेक्टर लेना है, फिर वेलोसिटी ऑफ बी, फिर दूसरा वेक्टर लेना है, दोनों वेक्टर्स को सब्ट्रैक्शन करना। तो पहले अगर डायरेक्शन निकालनी है, मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया आपने इस फॉर्मूला से, अब डायरेक्शन निकालो, लाओ वेक्टर ए को, वी ए वेक्टर किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, सो दिस इज वी ए वेक्टर, इसका नाम रखो वी ए वेक्टर, ठीक है, दिस इज वेक्टर वी ए, फिर इस वेक्टर में से सब्ट्रैक्ट करो माइनस वी बी। बेटा वी ए वैक्टर को आप दूसरा एक वेक्टर, या तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे वी ए माइनस वी बी, ए में से आपने बी किया है सब्ट्रैक्ट, या आप पढ़ोगे ए को आपने माइनस बी किया है एड, दिस इज वन एंड द सेम थिंग, बिकॉज मैंने आपको पढ़ाया ना वेक्टर में कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज बेसिकली वेक्टर एडिशन, इट इज द वेक्टर एडिशन ऑफ ए पॉजिटिव वेक्टर एंड अ नेगेटिव वेक्टर। बेटा एडिशन में दोनों वेक्टर पॉजिटिव होते हैं, ये वी ए होता है, ये वी बी होता है, अगर आप वी ए और वी बी को दोनों वेक्टर्स को ऐड करोगे, दोनों का साइन अगर सेम है,
ये भी पॉजिटिव वेक्टर, ये भी पॉजिटिव वेक्टर, या अगर एक नेगेटिव वेक्टर है दूसरा भी नेगेटिव वेक्टर है, अगर आप दोनों को ऐड करोगे, दो पॉजिटिव वेक्टर्स को ऐड करोगे, दो नेगेटिव वेक्टर्स को ऐड करोगे, वी कॉल दैट वेक्टर एडिशन। पर अगर आपके पास एक होगा पॉजिटिव वेक्टर, दूसरा होगा नेगेटिव वेक्टर, मतलब एक है वी ए दूसरा है माइनस वी बी, इन दोनों को जब ऐड करते हो उस एडिशन को हम सब्ट्रैक्शन कहते हैं। सो सब्ट्रैक्शन इज बेसिकली एडिशन, एडिशन ऑफ ए पॉजिटिव टर्म एंड ए नेगेटिव टर्म इज कॉल्ड एज सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहां पे पहले आपने वी ए लिया, लिया वी ए वेक्टर, अब आप ले लो माइनस वी बी, माइनस वी बी, बिकॉज दिस इज बेसिकली एडिशन ऑफ वी ए एंड माइनस वी बी, माइनस वी बी, माइनस पहले वी बी की डायरेक्शन है ना ऊपर, तो माइनस वी बी की डायरेक्शन नीचे आएगी ऐसे, तो दिस इज वी बी माइनस वी बी, और दोनों वेक्टर्स के टेल्स को कर लो कनेक्ट, पहले वी ए ले लो फिर दूसरा वेक्टर ले लो माइनस वी बी, अगर वी बी की डायरेक्शन ऊपर है तो माइनस वी बी की नीचे आएगी, दोनों वेक्टर्स के टेल्स को कर लो कनेक्ट, किया, फिर इन दोनों का रिजल्ट, रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा बेटा, ऐसे आएगा ना, आएगा ना ऐसे, ऐसे आने का मतलब क्या है, जरा ये जो वेक्टर है ये यहाँ पे मुझे बताओ किस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, ये बेटा यहाँ पे जब इसका आंसर जब यहाँ निकालोगे ना तो ऐसे, तो ये बेटा जो है आपका इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो वेक्टर है आपका, ये कौन सा वेक्टर है, दिस इज वी ए बी, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब ए की जो वेलोसिटी है, अगर आप ए की वेलोसिटी बी से पूछोगे, बी से अगर आप पूछोगे ना ए की डायरेक्शन किस क्या है, बी से अगर आप पूछोगे ए की कौन सी डायरेक्शन है, वो ये नहीं कहेगा, वो कहेगा ये वाली डायरेक्शन। अब अगर आपको ये वाला एंगल निकालना है, फॉर एग्जाम्पल दिस एंगल इज थीटा, तो ये वाला एंगल निकालना है, दिस एंगल इज थीटा, तो बेटा टेन थीटा होता है ना बराबर परपेंडिक्यूलर डिवाइडेड बाय दिस, परपेंडिक्यूलर क्या है बी बी, तो है ना बी बी, बी बी का वैल्यू कितना है, बी बी का वैल्यू कितना है 5, सो 5 डिवाइडेड बाय बेस, बेस है ना बी ए, बी ए का वैल्यू कितना है 10, तो इस इक्वेशन से बेटा टेन थीटा आएगा। फिर से दिखाता हूं, यहां देखो बेटा, चलो वो मैंने दिखा दिया व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, यहां पे मैं दिखाता हूं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, और फॉर्मूला वही है मैंने पहले ही कहा ना, इसी फॉर्मूला से सारे आंसर्स, वी बी ए का क्या मतलब है वेलोसिटी ऑफ बी, किसकी वेलोसिटी बी की, किसके लिहाज से ए के हिसाब से, तो ये होता है ना बराबर वी बी माइनस वी ए, मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया इसका, अब डायरेक्शन निकालो, पहले कौन लाओगे बी बी, लाओ बेटा वी बी वेक्टर, ऐसे है ना वी बी वेक्टर, ये नॉर्थ की ओर है, ये वी बी वेक्टर है बेटा, दिस इज वेक्टर वी बी, इसके बाद क्या लाओगे माइनस वी ए, वी ए नहीं माइनस वी ए लाओ, ये अगर वी ए है तो माइनस वी ए आएगा, वी ए किसकी ओर है ईस्ट, माइनस वी ए आएगा वेस्ट की ओर, तो उसके टेल को इसके टेल से जोड़ो, ये वेस्ट और ये बेटा वी ए, ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा ना बेटा ऐसे, तो यही जो वेक्टर है वो यही वेक्टर होगा वी बी ए, इसका मतलब है वेस्ट और नॉर्थ के बीच में, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में का मतलब है ऐसे बेटा, ये है वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, इसका मतलब अगर आप पूछोगे ना ए से बी की वेलोसिटी क्या है, ए को लगेगा बी इस डायरेक्शन में नहीं इस डायरेक्शन में जा रहा है, अब अगर आपको ये वाला एंगल निकालना है, फॉर एग्जाम्पल ये थीटा है तो यहां डाल दो ये एंगल, हाँ अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो टेन थीटा किसके बराबर आएगा बेटा वी बी डिवाइडेड बाय वी ए, वी बी का वैल्यू कितना है 5 है, ए का वैल्यू 10 है, तो यहां से आंसर आएगा आपका, समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा, आना चाहिए। चलो एक और बार एक और एग्जाम्पल देता हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कहा ना बेटा डायरेक्शन निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें वेरी इंटरेस्टिंग है ये, मैं खाली बेसिक समझा रहा हूं आपको, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं डिटेल इसमें जो है अलग अलग केसेस बताऊंगा कि अलग अलग केस में कैसे वेलोसिटी निकालते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव एक्सेलरेशन, आज जनरल केस दिखाता हूं मैं आपको, फिर से देखो बेटा, फिर से बनाता हूं यही, ठीक है, मान लो लेट अस सपोज दिस इज ये नॉर्थ है अभी, सो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है,
ये साउथ है, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट है, ये ए है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये बी है, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है। गौर से देखो, इसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। दो क्वेश्चन है आपके, फाइंड वी ए बी एंड बी बी ए, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। पहले वी ए बी निकालेंगे। वी ए बी किसके बराबर होता है? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। पहले मैग्नीट्यूड निकालो। वी ए बी का अगर मैग्नीट्यूड निकालना बेटा, तो अंडर रूट आएगा ना वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। बी और ए के बीच में एंगल 90 डिग्री है ना। ये बी की डायरेक्शन, ये ए की डायरेक्शन, एंगल 90 डिग्री। अगर एंगल 30 डिग्री होगा तो ये ऐसे निकालेंगे इसी फॉर्मूला से, वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस टू वी ए वी बी कॉस ऑफ 30, ठीक है। 60 होगा कॉस 60, 40 होगा कॉस 40, पर यहाँ 90 है तो कॉस 90 जीरो बनेगा, तो इतना आंसर आएगा। तो आंसर क्या निकलेगा बेटा? वी ए का वैल्यू है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो इसका वैल्यू आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ये है रिलेटिव वेलोसिटी। इसका मतलब ए की वेलोसिटी बी के हिसाब से ना 4 है ना 3 है, वो 5 है। अगर बी को पूछोगे ए की वेलोसिटी कितनी है, वो कहेगा 5। अब डायरेक्शन बताओ मुझे, अगर बी से पूछेंगे ना ए किस डायरेक्शन में जा रहा है, ए किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो बी क्या बताएगा? देखो कैसे क्या बताएगा, इस इक्वेशन को देखो। पहले वी ए लाओ आप, वी ए, वी ए किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ, ये है बेटा नॉर्थ, और ये है वी ए, ठीक है। उसके बाद लाओ माइनस वी बी, वी बी किस डायरेक्शन में है बेटा? वी बी है ना ईस्ट डायरेक्शन में, माइनस वी बी हुआ ना वेस्ट। इसका मतलब है इसके बाद यहां देखेंगे हम, ये है नॉर्थ, ये था वी ए, क्योंकि वी ए डायरेक्शन है नॉर्थ। इसके बाद हमको लाना है माइनस वी बी, वी बी की डायरेक्शन है ईस्ट, माइनस वी बी की होगी वेस्ट। तो उसके टेल को इससे ज्वाइन करेंगे, ये वेस्ट और ये वी बी, और जो रिजल्टेंट है वो ऐसे आएगा बीच में, ठीक है बेटा। ये जो रिजल्टेंट है किसका है बेटा? दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ वी ए बी, ये रिजल्टेंट है वी ए और वी बी का, ठीक है। दिस इज वी ए एंड दिस इज वी बी। जरा यहां पे दिखाओ, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में मतलब ऐसे, ये जो वेक्टर है ना बेटा, ये कौन सा वेक्टर है? वी ए बी। देखो इंटरेस्टिंग आंसर क्या है, बी चल रहा है इस डायरेक्शन में, ए चल रहा है इस डायरेक्शन में, पर अगर आप बी से पूछोगे ना ए किस डायरेक्शन में चल रहा है, बी कहेगा ए इस डायरेक्शन में चल रहा है। और अगर आप बी से कहोगे ये एंगल कितना होगा, सपोज दिस इज थीटा, तो इस एंगल को आप यहां से निकालो, ये एंगल रखो थीटा, सो टेन थीटा, फिर अगर ये थीटा तो ये है ना परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना वी बी, बेस कितना वी ए, तो परपेंडिकुलर है बेटा वी बी। वी बी का वैल्यू कितना है? 4, बेस का 3, सो दैट इज 4/3, सो टेन थीटा इज 4/3। इस इक्वेशन से ये एंगल आपका निकलेगा। इसी तरह बेटा फिर आप निकाल सकेंगे इसका भी वैल्यू। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना इसी तरह, चलो एक और केस दिखाता हूँ, एक और सिंपल सी एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अगर ए ऐसे जा रहा है, बी जा रहा है ऐसे, ए की जो वेलोसिटी है वो है 4 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, एंगल है 30 डिग्री। जरा मुझे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मैग्नीट्यूड निकाल के दो। आंसर क्या आएगा? वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस वी ए वी बी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए का वैल्यू 4 स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू 5 स्क्वायर माइनस 2 × 4 × 5 इंटू कॉस ऑफ थीटा, कितना है बेटा इनमें? 30 डिग्री। तो इससे आंसर निकलेगा। हाँ, अब अगर फिर बेटा वैल्यू निकालना होगा डायरेक्शन का, तो वो टेन अल्फा वेक्टर सब्ट्रैक्शन वाली फॉर्मूला है ना, टेन अल्फा का मतलब है इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो वी ए के साथ कितना एंगल बनाएगा। टेन, अब व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द एंगल ऑफ द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट है ये रिजल्टेंट है इन दो वेलोसिटीज का, ये रिजल्टेंट इस पहले वाले वेक्टर्स के साथ कितना एंगल बनाएगा, उसको अल्फा कहते हैं। और ये फॉर्मूला आपने पढ़ी होगी ना बेटा, बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए माइनस बी कॉस ऑफ थीटा। बी हो गया दूसरा वेक्टर, उसका वैल्यू है 5,
और साइन थीटा, थीटा है 30 डिग्री, डिवाइड ए का वैल्यू है 4 - 5 cos of 30। इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो आपका टेन थीटा का वैल्यू आ जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि बेसिक रिलेटिव वेलोसिटी या बेसिक रिलेटिव एक्सेलरेशन, जैसे वेलोसिटी की ना मैंने, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी 4, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी 5, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए ऐसे ही निकालना है जैसे रिलेटिव वेलोसिटी है। तो आई होप कि आपको ये छोटी छोटी चीजें समझ में आ गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट केस में मैं आपको दिखाऊंगा यही रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स में जो हम इक्वेशंस पढ़ेंगे ना, पढ़े हैं ना बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के, उन इक्वेशंस में हम मैं आपको दिखाऊंगा ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट हम कैसे यूज करते हैं। उसके बाद में दिखाऊंगा आपको काइनेमेटिक्स में ही हम आपको दिखाएंगे कि जैसे दो गाड़ियां चल रही है, वो पिछली पीछे जो गाड़ी है ये आगे वाली गाड़ी को कब करेगी ओवरटेक, या इनमें कोलिजन कब होगा, या ये कितने टाइम के बाद मिलेंगी, समझ आ रहा है, या ब्रेकिंग डिस्टेंस, ओवरटेकिंग डिस्टेंस, ये सारी चीजें मैं आपको रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से सिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा इसी रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्टेक्स्ट में आपको पढ़ाऊंगा वो, जैसे आपने सुना होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन रैन, मैन वर्सेस रैन प्रॉब्लम, या रिवर वर्सेस रिवर और बोट, रिवर बोट या रिवर वर्सेस मैन प्रॉब्लम, वो सारी चीजें इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में मैं आराम से दिखाऊंगा। फिलहाल आप इसको अंडरस्टैंड कर लो, इसको आराम से देख लो, आराम से अंडरस्टैंड कर लो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।